समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल की घटना के विरोध में डॉक्टरों ने आज क्लिनिक और पैथोलॉजी लैब बंद कर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। और डॉक्टरों ने अपनी शर्त रखी है कि पूरे मीडिया के लोग भी वहां पर होना चाहिए और हम 14 मेडिकल कॉलेज के हर एक के दो दो प्रतिनिधि, हमारा कोई नेता नहीं है, हम सब एक हैं, तो हमारे दो दो लोग हर मीडिया के लोग वहां पर रहेंगे और तब हम आपसे बात करेंगे। ममता बनर्जी ने उनको आश्वासन दिया और कहा आप लोग आइए, एक साथ आइए और खुल के अपनी बात कीजिए। तो ये मतलब कहने का ये है कि शक्ति अगर संगठन है अपना तो अपन सबको झुका सकते हैं। और जो आज देखने में आ रहा है कि वाकई में अपन संगठित हैं, क्षेत्र की बात करूँगा, ऑल ओवर इंडिया में ही ये अपने को चाहिए कि संगठन होना चाहिए। तो सब लोग संगठित होकर रहे, जो भी अपने साथी बाहर छूटे हुए हैं उन तक ये मैसेज पहुँचा दें कि अगर अपन सब एक है तो अपने ऊपर कभी कोई संकट आना। और ये बहुत अच्छा मौका है, इस समय हमको सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन बिल के लिए पूरी डिमांड करना चाहिए और अगर वो बन जाता है तो ये अपनी सबसे बड़ी जीत होगी, अपने संगठन की सबसे बड़ी जीत होगी। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग एक रहें। थैंक यू। रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी डॉक्टर्स के हित में जो क्या कदम ले सकते हैं, कैसे सुरक्षा की जा सकती है, गवर्नमेंट को अपन कितना प्रेशर डाल सकते हैं, अपने माध्यम से कहाँ झुका सकते हैं कि अपन डॉक्टर्स मरीज के हित को लेते हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।